नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, हम समय समय पर आपके लिए वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी कई महत्वपूर्ण बातें और उपाय लेकर आते हैं। वास्तुशास्त्र हमारे जीवन से जुड़ी हर चीज के साथ हमारा संबंध, उनकी दिशा, उपयोग और लाभ कैसा होना चाहिए, इससे हमें अवगत कराता है। हमारे आम जीवन में उपयोग में लाने वाली वस्तुएं हमें किस तरह से नुकसान पहुंचा सकती है, ये कोई नहीं जानता। हो सकता है हम कुछ ऐसी भूल कर रहे हों जिससे हमारे सफलता में रुकावट आ रही हो। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं, सोते समय ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपके पास या सिरहाने में नहीं रखनी चाहिए। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। सोते वक्त हमारा शरीर कार्य रहित होता है। उस अवस्था में हमारे शरीर के पंचतंत्र हमारे लिए कार्य करते हैं। उस वक्त अगर आपके सिरहाने में या आपके करीब कुछ ऐसी चीजें हो जिससे नकारात्मक ऊर्जा का संचार हो रहा हो, तो ऐसी ऊर्जा आपके शरीर और आपके जीवन दोनों पर असर डाल सकती है। आज हम आपको ये तो बताएंगे कि कौन सी चीज सोते वक्त आपके सिरहाने में नहीं होनी चाहिए, साथ ही हम आपको बताएंगे ऐसी वो कौन सी चीजें हैं जो आपकी नींद और सकारात्मक ऊर्जा दोनों को बढ़ाने में मदद कर सकती है। तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। सबसे पहले जानते हैं कौन सी चीजें सिरहाने में रखनी चाहिए। अगर आपको नींद आने में बहुत ज्यादा तकलीफ है तो ये उपाय आपके लिए है। कपूर के कुछ टुकड़े एक रुमाल में अपने पास रख लीजिए, हो सके तो इसकी खुशबू को सूंघते रहिए। कपूर सकारात्मक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है, इससे मस्तक शांत हो जाता है। सोते वक्त बुरे ख्याल या बुरे सपने ज्यादा आते हैं तो हो सकता है आप पर किसी की बुरी नजर या नकारात्मक ऊर्जा का असर पड़ा हो। इससे बचने के लिए साबुत चावल को एक लाल कपड़े में बांधकर जहां पर आप सोते हैं वहां अपने तकिए के नीचे रख दीजिए। साबुत चावल शुद्धता का प्रतीक होता है, इससे नकारात्मक ऊर्जा आपके करीब नहीं आ पाएगी। कमरे में शुद्धता का वातावरण होना बहुत आवश्यक है, इसलिए अपने कमरे में कहीं भी बिस्तर के पास मोरपंख लगाएं। इससे सकारात्मक विचारों का आगमन होना शुरू हो जाता है, जिससे बुरी और नकारात्मक ऊर्जा आपके करीब नहीं आ सकती। तो ये थी कुछ चीजें जो आप सिरहाने के पास रख सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको अपने बिस्तर के पास या सिरहाने के पास नहीं रखनी चाहिए। पहली है मैले कपड़े। बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि रात को कपड़े बदलने के बाद अपने मैले कपड़े अपने कमरे या बिस्तर के पास छोड़ देते हैं। मैले कपड़ों से नकारात्मक ऊर्जा उत्सर्जित होती रहती है, इसीलिए तो कभी भी पूजा में या शुभ कार्य में पुराने या मैले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। अपने बिस्तर के पास भी कभी मैले कपड़े ना रखें। दूसरी बात, जूते, चप्पल, जुराबे, रुमाल और मास्क। हमेशा हर कोई इन सभी चीजों का इस्तेमाल करता है। इनका इस्तेमाल अपने पूरे दिन के कार्य के वक्त करिए, किंतु रात को सोते समय इन चीजों को खुद से अपने बिस्तर से दूर रखिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी ये चीजें स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, किंतु इन चीजों से वास्तु दोष भी लग सकता है। जूते चप्पल कितनी ही जगह से अलग अलग ऊर्जा को अपने साथ लाते हैं, इसी कारण इन्हें घर के बाहर ही रखना चाहिए। नमक, हल्दी, कुमकुम, तेल और सूखी तुलसी के पत्ते, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो अगर आप अपने सिरहाने पर रख देते हैं तो आपके जीवन पर इनका गहरा प्रभाव पड़ सकता है। ये चीजें नजर उतारने और पूजा विधि में काम आने वाली वस्तुएं हैं, किंतु रात के वक्त इन वस्तुओं का उपयोग वर्जित माना जाता है। कृपया ध्यान रखें, इनमें से कोई भी चीज आपके पास ना रखें। और एक चीज का ध्यान रखें, तुलसी के पत्तों को संध्या काल के बाद ना तोड़ें। सुबह तोड़कर एक डिब्बे में रख लें और बिस्तर और कमरे में इन पत्तों का उपयोग ना करें, इससे तुलसी माँ का अपमान होता है।
बहुत सारे लोगों को रात के समय किताबें पढ़कर सोने की आदत होती है और सोते सोते ही वो किताब वहीं बिस्तर पर छोड़ देते हैं। कई सारे विद्यार्थी भी ऐसा करते होंगे, किंतु अपने बिस्तर पर कभी भी किताबें या पुस्तकें ना रखें। विद्या माँ सरस्वती की देन है, इनमें माँ का वास होता है। बिस्तर पर इन्हें रखने से सोते समय कभी भी हमारा पैर इन्हें लग सकता है, जिससे माँ सरस्वती का अपमान होता है। कृपया इस चीज का खास ध्यान रखें। सोते समय उपकरणों की किरणें या रेडिएशन बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। कृपया अपने पास मोबाइल, लैपटॉप, ब्लूटूथ रेडियो और कान में किसी भी तरह का उपकरण डालकर बिल्कुल भी ना सोएं। ये आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो दोस्तों, ये थी वो चीजें जो सोते समय हमारे पास होनी नहीं चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आने वाला नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।